दोस्तों, आपके मन में समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल को लेकर ख्याल तो जरूर आता होगा कि क्या ये समय यात्रा टाइम ट्रेवल सिर्फ एक कल्पना ही रहेगी या फिर हकीकत भी बन पाएगी। अब इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब तो नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में समय यात्रा टाइम ट्रेवल की ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी गई हैं जिन्हें देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समय यात्रा सिर्फ एक कल्पना ही नहीं बल्कि एक सच्चाई है। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वे समय यात्रा करके आए हैं। टाइम ट्रेवल एक ऐसा विचार है जिसमें यह माना जाता है कि इंसान समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ठीक वैसे ही यात्रा कर सकता है जैसे वह एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करता है। कहते हैं कि समय बड़ा मूल्यवान होता है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। परंतु आने वाले समय में हमारे पास ऐसी तकनीक होगी जिससे समय पर हमारा नियंत्रण होगा और समय के रहते वर्तमान से भूत और भूत से भविष्य जाया जा सकेगा। अगर आपसे कोई कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जा सके। टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी इस टाइम ट्रेवल की पजल को सुलझा सकती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो टाइम ट्रेवल की इस कल्पना को सच्चाई में बदल देगी। नोआ द टाइम ट्रेवलर। नोआ नाम के एक व्यक्ति ने 2017 में यह दावा किया कि वह 2030 से आया है और 2017 में फंस गया है। इसके साथ ही उसने भविष्य को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। नोआ ने अपने इंटरव्यू के दौरान भविष्य में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में बताया। नोआ ने कहा कि दो देशों के बीच खतरनाक युद्ध होगा और ये युद्ध नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच होगा, जिसमें नॉर्थ कोरिया की हार होगी। नोआ ने अमेरिका की राजनीति पर यह कहा कि अनेकों विवादों के चलते 2020 में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। नोआ की माने तो हमारा मंगल ग्रह पर जाने का सपना 2028 में पूरा होगा और बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। अमेरिका में रहने वाले इस शख्स ने इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई। आपको बता दें कि इसके बाद उनका लाई डिटेक्टिव टेस्ट भी किया गया जिसमें यह सामने आया कि वह इंसान सच बोल रहा है। नोआ के द्वारा की गई ये बातें कितनी सच साबित होती हैं यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। हॉकन नॉर्क्विट। साल 2006 में स्वीडन के रहने वाले हॉकन नॉर्क्विट ने यह दावा किया कि वह भविष्य की यात्रा करके लौटे हैं। हॉकन के अनुसार वह एक दिन अपनी किचन में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी किचन में पानी फैला हुआ है और उन्होंने एक ड्रॉर खोला जिसमें से पाइप बाहर निकले हुए थे। हॉकन ने देखा कि वह ड्रॉर अंदर से एक सुरंग की तरह है। हॉकिंस उसमें घुसते चले गए। जब वह उस ड्रॉर से बाहर निकले तब उन्होंने एक 70 वर्षीय व्यक्ति को देखा जो कि खुद हॉकिंस ही थे, और उस व्यक्ति के हाथ पर सेम वैसा टैटू बना हुआ था जैसा हॉकिंस ने हाथ पर बनवा रखा था। हॉकिन समय यात्रा करके 2006 से 2042 यानी 36 साल इन फ्यूचर पहुंच गए थे। परंतु जब उन्होंने फ्यूचर के हॉकिंस से कुछ सवाल जवाब किए तब उन्हें यकीन हुआ कि वह टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गए हैं। उन्होंने फ्यूचर के हॉकिंस से कई घंटे बातचीत की। उनके पास वो फोटो थे जो उन्होंने फ्यूचर में जाकर क्लिक किए थे। हॉकिंस का कहना है कि लोग उनकी इस बात पर विश्वास करें या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने आप को इतना खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें फ्यूचर में अपने आप से मिलने का मौका मिला। हैफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। 1971 में जोसेफ हैफले और रिचर्ड कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था हैफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चार एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के दो चक्कर लगाए, लेकिन जब वे दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एक परमाणु घड़ी को छोड़ दिया था और बाकी तीन घड़ियाँ उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग है, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियों की स्पीड
स्पेस में कई गुना बढ़ गई थी। वहीं लेबोरेटरीज में रखी हुई घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो समय से आगे निकल सकते हैं, यानी भविष्य में जाया जा सकता है। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सकें। माइक टाइसन फैन। साल 1995 में उस वक्त के मशहूर बॉक्सर माइक टाइसन और पीटर मैकलिनी के बीच एक मैच खेला गया। ये मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच था, लेकिन जब इसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तब सभी को इसमें कुछ अटपटा नज़र आया। मैच की इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसी किसी डिवाइस से टाइसन की तस्वीर उतार रहा है, जबकि उस वक्त काफ़ी बड़े और एंटीना वाले फोन्स के अलावा स्मार्टफोन की कल्पना करना भी मुश्किल था। इस फुटेज की जांच की गई लेकिन इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। रुडोल्फ फैंस। न्यूयॉर्क पुलिस रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी घटना दर्ज नहीं है जिसके बारे में कुछ भी स्पष्टता से कह पाना मुश्किल है। साल 1950 में वॉल स्ट्रीट पर विक्टोरियल समयकाल के कपड़ों और बालों वाला एक शख्स दिखाई दिया। वो कुछ परेशान था और सबको घूर घूर कर इस प्रकार से देख रहा था कि जैसे उसने यह सब पहली बार देखा हो। अचानक कुछ सेकंड बाद उसकी सड़क पर एक गाड़ी से टकराने से मौत हो गई। इस व्यक्ति की जेब से पुलिस को 19वीं सदी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ रुपए और 1876 का लिखा हुआ एक पत्र और बिजनेस कार्ड आदि बरामद हुए, और इस नाम का आदमी ढूंढने पर पता चला कि साल 1876 में इस नाम का शख्स रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गया था। एंड्रयू कार्लसन। साल 2013 में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर एंड्रयू कार्लसन नाम का एक व्यक्ति पाया गया। एंड्रयू कार्लसन, जिसने $800 की रकम से शुरुआत कर दो ही हफ्तों में ट्रेडिंग में करीब 24 अरब रुपयों की कमाई कर डाली। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्लसन को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वह जानता था कि कौन सा शेयर सबसे ऊपर जाएगा, क्योंकि वो साल 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, उस पर केस चलता रहा और करीब एक महीने बाद वो बेल पर बाहर आया। इसके कुछ ही दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाला व्यक्ति दोनों ही गायब हो गए। चार्ली चैपलिन फिल्म्स। साल 1928 में रिलीज़ हुई चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म सर्कस हिट साबित हुई। काफ़ी सालों बाद जब कोई फैन इसे देख रहा था तब उसके इस फिल्म के एक दृश्य में एक औरत को मोबाइल फ़ोन जैसे डिवाइस पर बात करते हुए देखा गया। बाद में इस फिल्म के इस दृश्य को कई तरह से जांचा परखा गया और यह फुटेज क्लीन पाई गई। टाइम ट्रेवल के पक्ष में रहे लोगों ने इसे आने वाले समय से भेजे गए किसी संदेश की तरह माना, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आखिरकार उस लेडीज के हाथ में यह डिवाइस था क्या, क्योंकि उस समय के मोबाइल फोन्स, टेप रिकॉर्डर आदि का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। इस टाइम ट्रेवल पॉसिबल। टाइम ट्रेवल को लेके शुरू से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल ही नकार देते हैं। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता, समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपकी गति ज़्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरे कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने के कारण आपको उतनी ही दूरी को तय करने के लिए ज़्यादा समय लग सकता है। इसी तरह अगर आप अपनी गति को बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीज़ों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड 3.8×10^8 मीटर पर सेकेंड है। अब सोचिए अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा। हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं।